ड्रामा इसीलिए जब किसानों के पास जाते हैं लाठियों से इनकी पिटाई होती है, वो पिटाई किसानों से पिटाई खा के इनका सिर का मनका लगता है, तो गिर गया है। क्योंकि वो बनना चाहते सी कांग्रेस दे फेस बनना, जो सिद्धू साहब आए हैं बखला गए हैं। दिल्ली विच संसद दे बाहर अज दो संसद मैंबरां विचाले उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखण नूं मिलिया जदों श्रोमणी अकाली दल दे संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल अते कांग्रेस दे रवनीत सिंह बिट्टू आपस विच भिड़ गए। दोवां विचाले केंद्र सरकार दे तिन्ने खेतीबाड़ी कानूनां नूं लै के बहसबाजी शुरू हो गई। हरसिमरत कौर बादल खेतीबाड़ी कानूनां दा विरोध करदिआं एक तख्ती लै के संसद दे बाहर खड़े सी अते उसे समय रवनीत बिट्टू भी उत्थों लंघ रहे सी। बिट्टू अचानक हरसिमरत कौर बादल कोल पहुंचे अते दोवां ने एक दूजे ते दोष लाउणे शुरू कर दिते। इस दौरान गल तू तू मैं मैं तक पहुंच गई। उधर इस लड़ाई तो बाद हरसिमरत कौर बादल दा वड्डा बयान सामने आए। उन्हें इल्जाम लाया कि खेती कानूनां दे पास होण मौके रवनीत बिट्टू अते पूरी कांग्रेस तिर वॉकआउट करके संसद चो बाहर आ गई सी अते हुण खेती कानूनां खिलाफ बोलण दी बजाए कांग्रेस होरना मुद्दियां नूं संसद विच चुक के किसानां दे मुद्दियां ते बोलण तो कतरा रही है। देखिए आप भी उस कवर कर रहे थे जब ये बिल पारित हुआ, और आपने भी देखा होगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सारी बेंचेस खाली थी। राहुल और सोनिया तो आए ही नहीं हाउस में, और ये बिट्टू शिट्टू सारे बाहर वॉकआउट करके सरकार की मदद इन्होंने जब करी, मैंने जाके अपना इस्तीफा सरकार के मुंह पे मारा। वापस आके हमारी पार्टी ने जब सारा हाउस खाली हो गया था, डट के दो एमपीज ने विरोध किया इस काले कानूनों के खिलाफ, और हमने अपना 35 साल पुराना गठबंधन भी तोड़ दिया। हकीकत यह है कि जो पंजाब के 5 एमपीज अपने 50 वाली पार्टी को ही किसान के मुद्दे में एक नहीं कर सकते, वो सरकार की मदद कर रहे हैं दूसरे तीसरे मुद्दे लाके। सो इस सारी चीजों को छुपाने के लिए, पंजाब में अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए आज इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं जिन्होंने किसानी के मुद्दों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और किसान के साथ लड़ाई नहीं की। देखिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये तो कोई भी ड्रामा रच लेंगे। जो इंसान पार्लियामेंट के अंदर फोटो खिंचाता है कि मैंने रात गुजारी है, और 15 मिनट में फोटो खिंचाते बाहर, आप ही जानते कोई एमपी रहा है या पार्लियामेंट के अंदर रात गुजारी इन्होंने फोटो खिंचा के चल रहे हुए बने, तो ये सिर्फ ड्रामा है। इसीलिए जब किसानों के पास जाते हैं लाठियों से इनकी पिटाई होती है, और वो पिटाई किसानों से पिटाई खा के इनका सिर का मनका लगता है, तो गिर गया है। उधर इस घटनाक्रम तो बाद अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस नूं रवनीत बिट्टू दी बुखलाहट करार दिता है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दे प्रधान बनन कारण रवनीत सिंह बिट्टू हुण बुखला गए ने। सी मैं इहनूं बेनती करना चाहुंदा है, लड़ाई बीजेपी सरकार नाल है, पर उन्हां दा निशाना श्रोमणी अकाली दल ही रहिंदा है। आपां उत्थे लड़ाई लड़न वास्ते आए हैं बीजेपी के खिलाफ किसानी संघर्ष लई, क्यों तुसी ऐ जे काम करदे हो जिहदे नाल ऐ लगे कि पंजाब दे लोग एक दूजे नाल लड़ जांदे। उहदी सोच ही ऐ जी है, हर बार मैं देखिया, क्योंकि हुण फ्रस्ट्रेशन उन्हां च आ गई है, क्योंकि वह बनना चाहते सी कांग्रेस दे फेस बनना, जदों दे सिद्धू साहब आए आ बखला गए है, ते हुण घबराहट दे विच हरसिमरत कौर बादल ने बिट्टू का विरोध करदिया कानून पास होने समय वॉकआउट के मुद्दे ते घेरिया। इस दौरान लोक सभा च बसपा आगू रितेश पांडे अते होर संसद मैंबर भी खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध च हरसिमरत कौर दे नाल खड़े सी अते दोवां विचाले खासा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिलिया सी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।